दोस्तों आज हम जानेंगे कि सीलिंग फैन का कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर आपके भी केबी शटर के तार जो है वायर निकल गई है और उसको लगाना वापस कैसे है, तो दोस्तों वो आपको दिखाने वाले हैं और वो भी बिल्कुल बिना किसी मीटर के, बिना किसी सीरीज के। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि लगाते कैसे उसको। तो देखिए दोस्तों ये हमारा केबी शटर है जो कि है 2.5 mm का। और दोस्तों अब इसको हम इसमें लगाते हैं। तो देखिए पहले तो इसको हम अच्छे से इसमें लगा देंगे और फिर दोस्तों ये देखिए वायर, एक वायर हमारे पास ब्लैक कलर की है और एक येलो कलर की है और एक रेड कलर की है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, पहले सबसे पहले हमें कैपेसिटर की वायर लेनी है और जो कैपेसिटर की दो वायर है, एक को तो हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे ब्लैक वाले पर और दोस्तों दूसरी वायर को हम कर देंगे येलो वाले पर ज्वाइंट। देखिए और दोस्तों ये हमारे पास रेड येलो और ये रेड वाली बच गई है। तो दोस्तों हमारे पास जो लाल वायर है रेड, ये बच गई है। और देखिए ये कनेक्शन कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो अब इसको हम लगाते हैं सबसे ऊपर हम, ये देखिए जैसे कनेक्टर में देख रहे हो आप तीन कनेक्शन है इसमें। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक वायर, उसको हम लगाएंगे ऊपर। तो इसको अच्छे से यहाँ पे हम टाइट कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास बची दो वायर, येलो और रेड। येलो वाले को हम बीच में ले लेंगे। और दोस्तों अब हमारे पास बची रेड वायर, इसको हम सबसे नीचे लगाएंगे। और हाँ दोस्तों पेंच का ध्यान रखना है, पेंच बहुत बारीक है, मिलता नहीं दोबारा से। तो ये देखिए दोस्तों ये कनेक्शन हमारे हो गए, ब्लैक येलो और रेड। ये देखिए दोस्तों अब हमारे पास पॉइंट बचे हैं दो, एक ये वाला और एक नीचे वाला। तो इसमें हम बात करेंगे ये दोस्तों ये मेन लाइन के होते हैं जो आपके घर के वायर है मेन लाइन। एक वायर हम यहाँ पर लगाएंगे और एक वायर लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों हम चलो करते हैं अब चेक इसको। अब इसको हम चेक करने वाले हैं। ये हमारे पास दो वायर है दोस्तों, अब इसको चलाकर देखते हैं। ये हमारी दो वायर मेल लाइन की, तो ये देखिए दोस्तों ये चल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए दोस्तों